मिली है, अब इसे उदयपुर की सड़कों पे दौड़ाऊंगा। भाई आपके पास थोड़ी कैश है क्या? हाँ है। वो कैब वाले को 500 रुपए दे। भाई साहब आप इसके साथ 1 रुपया भी दे दीजिए भाई जी, शक्ल हो जाएगा। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आपको क्या देखने को मिलेगा। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं शो में। हमने देखा किस तरह से कोर्ट में अभिनव की गरीबी का तमाशा बनाया जा रहा है। अभिनव बहुत ज़्यादा लो फील करता है और रोने भी लगता है। ऐसे में अक्षरा उसे संभालती है और समझाती है कि कैसे हमने प्रोग्रेस की है, साथ मिलकर गृहस्थी जमाई सब कुछ किया। ऐसे में अभिनव को अच्छा लगता है और वो कहता है कि आपने पूरी कहानी मुझे दिखा दी, हमारी कहानी फ्लॉप नहीं हिट है। इसके बाद हमें ये भी देखने को मिलता है किस तरह से अक्षरा के घर वाले इनडायरेक्टली जॉब ऑफर करते हैं अभिनव को। अभिनव बहुत ज़्यादा थैंकफुल होता है और कहता है कि आपने कोई भी चीज़ मुझ पे थोपी नहीं, आप सब बहुत ज़्यादा क्यूट हो, लेकिन मैं अपने दम पर ही सब कुछ करना चाहता हूँ। ऐसे में गोयनकास को बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है अभिनव पर। अब अभिनव ने एक कार रेंट पर ली है और कहा अक्षरा को कि ये कार मैं पूरे उदयपुर की सड़कों पर घुमाऊंगा। आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कैब ड्राइवर बन चुका है अभिनव और पैसे इकट्ठे करने की कोशिश करेगा। ऐसे में अभिमन्यु की बहन को कैब वाले को पैसे देने होते हैं और वो कैब वाला होता है अभिनव। ऐसे में वो पैसे अभिमन्यु अभिनव को देता है और जैसे ही देखता है शौक भी हो जाता है। फिर अभिनव कहता है कि 500 नहीं 501 रुपये दे दो, शगुन हो जाएगा। इस पर अभिमन्यु कहता है कि आपकी सारी विश पूरी हो लेकिन एक को छोड़कर, मेरे बेटे को छीनने की विश। तो दोस्तों अब देखना होगा आने वाले टाइम में क्या होगा, आखिर किसे मिलेगी अभीर की कस्टडी। आपको क्या लगता है इस बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को।